मेरे इस भाई की वजह से तू जिंदा खड़ी है, वरना यही इसके बगल में तू पड़ी होती। तेरे बाप के कहने पर उन गुंडों ने हम दोनों की ये हालत कर दी है, तेरी भी यही हालत होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? रो, जितना रोना है रो। ये जो तेरे आंसू है ना, ये तेरे बाप के बुरे कर्मों की सजा है। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों मरोगे। इनफ, ये एक हॉस्पिटल है, बिहेव योरसेल्फ। I'm sorry. सर, शेट्टी की बेटी को अगवा करने वाला आदमी मैं हूं, आप मुझे पकड़ लीजिए। अब मुझे किसे पकड़ना है ये तू मुझे सिखाएगा? चल हट यहां से। वेदांता, इन्हें कस्टडी में लेने के लिए शेट्टी ने तुमसे कोई शिकायत की है क्या? नो सर। फिर इतनी गर्मी किस लिए? सर वो आप भी जानते हैं, इन सब के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। इन तीनों लोगों का एडविन मोजेस के साथ कनेक्शन है। बस इतना ही नहीं सर, आपके सनी लॉ का ब्रदर मनु भी इनके धंधे में इन्वॉल्व्ड है, इसी वजह से शेट्टी ने मनु को अगवा किया। उसके जरिए वो एडविन मोजेस तक पहुंचना चाहता है। एडविन मोजेस को पकड़ने का काम हमारा है, शेट्टी का तो नहीं है ना? इन लोगों के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट नहीं की, इसलिए जमानत दे रहा हूं। आप लोग चलिए, आइए। रुक जा, शेट्टी और उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ भी ना तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। डोंट माइंड इट। पता है बाहर की दुनिया से ज्यादा मैं अंदर की दुनिया जी कर आया हूं, इसलिए डराने की कोशिश मत करना। इससे स्कूल के बच्चे डरते होंगे सर, डोंट माइंड इट। मुझे सिर्फ रजनी से मिलना है। वो तुमसे नहीं मिलेगी मनु, तुम जाओ। उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मनु, अभी तक जो हुआ सो हुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे अब कोई प्रॉब्लम हो। मेरे मोबाइल से वेदांता को फोन लगाओ। इसका तो फोन स्विच ऑफ है। हेलो। हेलो, आर्या बोल रही हूँ। अब पे हमला हुआ है, किसी ने डैडी को शूट कर दिया है। हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। प्लीज कम फास्ट। पहले रोना बंद करो और चुपचाप किसी सेफ जगह पर चली जाओ, और उसके बाद पावर ऑफ कर देना। ओके। परिकर, शेट्टी के घर पे किसी ने हमला कर दिया। मुझे लगता है मनु भी हमला करने वालों के साथ ही है, हमें चल के उसे रोकना होगा। अरे सुनो, जल्दी करो, मनु ने शेट्टी के घर पे जाकर हमला कर दिया। ये शेट्टी अपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ बैठी डैडी। ये
सच्ची। लाइट जला दो। इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओके ओके। पुलिस के आने के पहले तू आ गया। सबूत मिटा के हीरो बनने का बहुत फितूर चढ़ा है तुझे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यू शराब इडियट, मैं तो कान के नीचे दूंगा। किस लिए कान के नीचे दोगे? पुलिस का काम होता है हमारी सेफ्टी का, पर पुलिस ने तो फोन ही नहीं उठाया। डैडी ने बोला उनके मोबाइल में वेदांता का नंबर है, उसे फोन लगाओ। आपका फोन स्विच्ड ऑफ था। सॉरी आर्या, आज मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी। ओके अच्छा सुनिए आप लोग, स्टेशन में जितने लोग भी ड्यूटी पर हैं, कल सभी लोगों को बोलो कि मुझसे आकर मिले। दैट्स माय ऑर्डर, गॉट इट? सर। सच्ची थैंक यू सो मच। तुम लोगों के साथ कौन कौन आया था? हम अकेले थे सर, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। जितने लोगों को बुलाया गया सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं। झूठ मत बोल। परिकर छोड़ दो उसे, इसे कुछ मत करना। तो इसे पुलिस को दे देते? नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। पुलिस वाले तंग करेंगे। वो मनु के ऊपर शक कर रहा था। रात को ही यहाँ आदम का मनु को देखने के लिए, देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था। उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन देख के चला गया। हेलो। हेलो सची, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हॉस्पिटल में आ सकते हो क्या अभी? मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूंगी। हॉस्पिटल किस लिए आना है? फोन पर बता दो। मैं फोन पे नहीं बताऊंगी, सामने ही बताऊंगी। 4 o'clock हॉस्पिटल के कैंटीन में मिलते हैं। ओके, शार्प 4 o'clock आना। बाय। एक आर्या शेट्टी सच्ची भाई के साथ जो रिश्ता निभा रही है उसे कहते हैं स्टॉक अप सिंड्रोम। प्यार की बीमारी? अपन को पता क्यों नहीं चला? क्या मतलब? यही प्यार। ये स्टॉक अप सिंड्रोम तब होता है जब हॉस्टेज को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। मुझे तो लगता है वो बदल चुकी है। बदल चुकी है ना? ओके। बस कर यार। सचिव भाई, इसे काटना होगा। मतलब? ग्रुप से काटना होगा। अरे काटना है या जोड़ना है ये सचिव भाई फैसला करेंगे। सचिव भाई जानते हैं एक लड़की का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। तू इनकी जिंदगी क्यों उजाड़ना चाहता है? अरे उजाड़ तो तू रहा है, सही उम्र में लड़की नहीं मिली इसका मतलब समझता है? सचिव भाई आज जो आर्या शेट्टी आ रही है ना प्यार की बात करने के लिए, इस कुर्सी पे बैठेगी और आंखों में देखते हुए अपने दिल की बात आपको बताएगी। तब आपको भी उसकी आंखों में देख के बोलना है I love you। मुझसे सब नहीं होने वाला। गूंचू कहीं का। करेक्ट है सची भाई, एकदम सही जा रहे हैं। ओ मतलब कोई फायदा नहीं है। सची भाई वो लड़की आ रही है। सचिव भाई सुनो, आर्य शेट्टी यहीं आकर बैठेगी, संभाल लेना। सचिव भाई चलो, चलो। उसकी आंखों में देख के बोलना। मुझसे नहीं होगा, बताया ना। ओहो चल चल, एक बार कोशिश तो करके देखो, तेरे लिए लगता है कुछ नहीं होने वाला। तुम भी डरते हो क्या? हाँ, ए, उन लोगों ने तो बोला था यहाँ आकर बैठोगी। कौन मैं? नहीं नहीं मैं वहाँ क्यों बैठ गए? मुझे ऐसे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें अगवा किया था ताकि अपने छोटे भाई को बचा सकूं। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका इल्जाम मनु पर ही लगेगा, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आया। मैं भी तुमसे मनु के बारे में कुछ बात करने आई हूं।
वेदांता भी आज सुबह मुझसे मिलने आया था, मनु के बारे में पूछ रहा था। उसे लगता है हमला करने वालों में मनु का हाथ हो सकता है। ये सच है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन वेदांता को मुझ पर शक हो चुका है। मनु का ये फोन मुझे मेरे घर पर ही मिला। मैं जानती हूँ सच्ची अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और इसीलिए मैं ये फोन वेदांता के हाथ में नहीं दे पाई।